चूंकि बाद अब बढ़ते हैं खबरों के साथ आगे। छरिया से खबर, बीसीसीएल अधिकारियों और कर्मियों पर ईडी का शिकंजा कसा है। आपको बता दें, बस्ताकोला एरिया के अधिकारियों कर्मियों की संपत्ति की जांच हो रही है। देवघर में ईडी की टीम इनके संपत्ति की जांच कर रही है। जेएम एजीएम समेत कई अधिकारियों के संपत्ति की जांच हो रही है। राज्य सरकार को पत्र भेजकर जमीन की भी तलाशी हो रही है। देवघर में ईडी की टीम संपत्तियों की जांच कर रही है, यानी ईडी का शिकंजा कसा है बीसीसीएल के अधिकारियों और कर्मियों पर। झरिया से सहयोगी अशोक जुड़े में अपडेट के साथ। अशोक, ईडी का शिकंजा कैसा है? वैसे भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मियों पर हम कह सकते हैं, और उनके तमाम अवैध संपत्ति की जांच की जा रही है, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? अशोक, आवाज मिल रही है आपको? मुझे लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। हम कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क हो सहयोगी से। बता दें, बीसीसीएल के अधिकारी और कर्मी है जिनकी बस्ताकोला एरिया के इन अधिकारियों और कर्मियों के संपत्ति की जांच हो रही है। देवघर में ईडी की टीम इनके संपत्ति की तलाश कर रही है। सहयोगी अंकित इस पर अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, बस्ताकोला के अधिकारियों और कर्मियों पर ईडी का शिकंजा हो रहा है। बीसीसीएल के तमाम अधिकारियों की अवैध संपत्ति की जांच के लिए ईडी छापेमारी कर रही है, क्या पूरी जानकारी फिलहाल इस वक्त है आपके पास? बिल्कुल, आशिया का है तो बीसीसीएल बस्ताकोला का जो एरिया है विकास भवन, वहाँ पे कार्यरत थे जो कि जनरल मैनेजर के रूप में बीके दुबे, राहुल सिंह लिब्रा आउटसोर्सिंग में बीके झा, ललन सर्वेयर ललन कुमार और एलसी घोष, अरुण कुमार मैनेजर, तमाम अधिकारी और कर्मी पर जो है कि ईडी का शिकंजा कसा है। और इनकी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में जो देवघर में जमीन रजिस्ट्री की गई है, उसी रजिस्ट्री की जांच हो रही है और उसकी तलाश में ईडी के अधिकारी जो डिप्टी डायरेक्टर है सुबोध कुमार, तमाम टीम के साथ में उस संपत्ति की जाँच की जा रही है। जी शुक्रिया अंकित, इस तमाम जानकारी के लिए।